देखो, लास्ट टाइम हमने फैराडेज लॉ किया। फैराडेज लॉ के अंदर मैंने आपको शीट नंबर 80 ये प्रिंट आउट दिया था। लास्ट टाइम की शीट थी शीट नंबर 80, जिसके हम फैराडेज लॉ के कुछ न्यूमेरिकल्स कर रहे थे। ये न्यूमेरिकल्स याद है, बी ए कॉस थीटा वाले। कितने लोगों ने शीट को ट्राई किया? बहुत बढ़िया। तो इसके अंदर मैं दो क्वेश्चंस को डिस्कस करना चाहता हूं। एक ये क्वेश्चन 10th और एक इसका जो डायग्राम वाला 11th, वो इंपॉर्टेंट है दोनों के दोनों। प्लीज आगे देखो, कितने लोगों को ये समझ में आ गया? ठीक, देखो एक चीज को समझते हैं, ध्यान आगे। ये एक लूप है, ये लूप पूरा चक्कर काटने में कैपिटल टी टाइम लेती है, ठीक, और स्पीड इसकी कांस्टेंट है, तो हर चक्कर कैपिटल टी टाइम में पूरा हो जाएगा। कोई डाउट इसमें? अब ध्यान से देखो, इधर यहां पर ये लूप यहां से यहां आने में टी बाय फोर, तो टोटल टाइम क्या हो गया? टी। ठीक, अब दूसरी चीज ये भी समझ लो, कॉइल का एरिया ए है, मैग्नेटिक फील्ड बी है विद इट्स प्लेन परपेंडिकुलर टू द फील्ड। तो अगर फील्ड ऐसे है, कॉइल परपेंडिकुलर है ऐसे है, तो फील्ड ऐसे है, कॉइल परपेंडिकुलर ऐसे है, तो कॉइल का एरिया वेक्टर कैसे है? ऐसे है। तो बी में और एरिया वेक्टर में एंगल क्या बनेगा? जीरो। ठीक, क्योंकि एरिया वेक्टर कॉइल के परपेंडिकुलर है, जो बी के साथ एंगल क्या बनाएगा? जीरो। क्लियर है? तो वैसे भी वो कह ही रहे, इन दिस पोजीशन नॉर्मल टू द कॉइल मेक्स एन एंगल ऑफ जीरो डिग्री विद द फील्ड। पता ही है, ना भी देता तो भी समझ में आ ही रहा था। ठीक, फाइंड एवरेज ईएमएफ जब उसकी पोजीशन जीरो से 90 हो जाए। और ये एंगल क्या गिवन है? लूप का एंगल नहीं गिवन, ये उसका परपेंडिकुलर का एंगल गिवन है। और परपेंडिकुलर वर्ड का मतलब इसका एरिया वेक्टर का एंगल गिवन है। और हमें भी बी ए कॉस थीटा में थीटा क्या चाहिए होता है? एंगल बिटवीन बी एंड एरिया, परपेंडिकुलर। तो जब हम इसमें 0 से 90 की रोटेशन करेंगे तो बी और एरिया में एंगल पहले 0 है और बाद में कितना हो गया? 90। तो फ्लक्स की वैल्यू बी ए कॉस 0 से बी ए कॉस 90 कितनी देर में? टी बाई 4। तो ईएमएफ का फॉर्मूला माइनस चेंज इन फ्लक्स बाय टाइम, तो फाइनल फ्लक्स, इनिशियल फ्लक्स, टाइम, आंसर। फिर ऐसे ही एंगल कितना गिवन है? 90 से 180, इनिशियल फ्लक्स में बी ए कॉस 90, फाइनल फ्लक्स में बी ए कॉस 180, टाइम कितना? टी बाई 4। तो ईएमएफ इज फाइनल फ्लक्स माइनस इनिशियल फ्लक्स बाय टाइम। तो ऐसे करके आपने चार पार्ट्स को सॉल्व करना है, कर लोगे सॉल्व तो इनिशियल और फाइनल फ्लक्स आ जाएगा और वहां से ईएमएफ की वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड। कोई डाउट इसमें? ठीक, इसके बाद ये क्वेश्चन बहुत आता है आपके एनसीईआरटी बोर्ड्स में, जिसमें वो ये कहता है कि मैं आपको बी की वैल्यू दे रहा हूं, बी बढ़ गया, कॉन्स्टेंट हो गया और डिक्रीज हो गया। तो टाइम के साथ बी की वैल्यू इंक्रीज, कॉन्स्टेंट, डिक्रीज हो रही है। आपको इसमें क्या निकालना है? आपको लूप का रेडियस गिवन है, तो समझो एरिया आ गया पाई आर स्क्वायर, एरिया आ गया। फिर आपको रेजिस्टेंस गिवन है, मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द लूप है, यानी कि अगर ये लूप है, मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है, एरिया वेक्टर भी परपेंडिकुलर है, बी और ए में एंगल जीरो। ठीक, क्योंकि लूप परपेंडिकुलर टू द फील्ड है, तो फील्ड में और एरिया वेक्टर में एंगल जीरो। इंड्यूस करंट निकालना है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। इंड्यूस करंट निकालो और ग्राफ भी ड्रॉ करो करंट का, क्या ग्राफ होगा। तो सबसे पहले एरिया निकल गया, ईएमएफ क्या होता है? माइनस डी फाई बाई डी टी। फाई क्या होता है? बी इंटू एरिया। इस क्वेश्चन में क्या चीज चेंज हो रही है? बी, एरिया तो कॉन्स्टेंट है, एरिया बाहर आ गया, डी बी बाई डी टी। डी बी का मतलब फाइनल बी माइनस इनिशियल बी। ठीक, तो हम इसको तीन बार करेंगे इंड्यूस ईएमएफ को। एक बार इस पोर्शन में जब फाइनल बी कितना है? 1, इनिशियल कितना है? 0। तो बी टू कितना है? 1, बी वन कितना है? 0। इसमें बी वन बी टू कितना है? सेम 1, तो चेंज इन बी क्या हो जाएगा इसमें? तो 0। और इसके अंदर फाइनल बी की वैल्यू कितनी है? 0, इनिशियल बी की वैल्यू कितनी है? 1, राइट? तो कर लोगे सॉल्व, पहले ये पोर्शन, फिर ये पोर्शन, फिर ये पोर्शन, और टाइम भी आपको डायग्राम से गिवन ही है। तो आप चेक कर सकते हो कि जब टाइम 0 से 2 सेकंड के बीच में है तो ईएमएफ की वैल्यू आएगी माइनस एरिया, फाइनल बी माइनस इनिशियल बी अपॉन टाइम कितना है? 2 सेकंड। फिर करंट आ जाएगा, जो भी ईएमएफ आएगी नेगेटिव में आएगी, नेगेटिव ईएमएफ को आर से डिवाइड करेंगे, नेगेटिव करंट आएगा।
फिर ऐसी टाइम टू से फोर सेकंड में बी की वैल्यू चेंज ही नहीं हो रही तो ईएमएफ जीरो, तो करंट भी जीरो। फिर चार और छह सेकंड में, दो सेकंड के अंदर एरिया इनटू फाइनल बी माइनस इनिशियल बी बाय टाइम, ये आंसर। फिर ग्राफ प्लॉट करेंगे, पहले पोर्शन में करंट नेगेटिव है, फिर जीरो है और फिर पॉजिटिव है। तो ये ग्राफ आपको प्लॉट करना है कि करंट पहले कॉन्स्टेंट है, नेगेटिव है, जीरो है और फिर पॉजिटिव है। पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहाँ तक, ये ग्राफ कैसे प्लॉट करना है? ठीक, ये क्वेश्चन आता होता है, मैं फिर कह रहा हूँ, क्योंकि बी की वैल्यू चेंज करके कुछ ना कुछ वो आपको ऐसा देगा। निशांत क्लियर है यहाँ तक? डाउट इसमें?